अरोमा मिशन की सफलता के पीछे CSIR के सभी पार्टिसिपेटिंग लैब्स के वैज्ञानिकों का निरंतर प्रयास है। हमारी 5 प्रयोगशालाएं हैं। एक जोरहाट में है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कैटर करती है, दूसरा एक जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है वो मिलकर काम कर रही है, एक पालमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी है और 2 प्रयोगशालाएं, एक हमारी प्रयोगशाला, एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये 5 प्रयोगशालाएं मिल करके मिशन मोड में किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए एरोमेटिक क्रॉप्स का डिप्लॉयमेंट, उसकी खेती को प्रमोट कर रहे हैं। लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में पूरे देश में कम से कम 6000 हेक्टेयर नई जमीन में अरोमा क्रॉप्स यानी सगंध पौधों की खेती शुरू हो जानी चाहिए और अभी तक की उपलब्धियां बेहद उत्साहजनक हैं। कहीं लेमन ग्रास की खेती लहलहा रही है तो कहीं पामा रोजा की, कहीं मिंट की फसल लगाई गई है तो कहीं वेटिवर यानी खस की। अरोमा मिशन के तहत कुल 17 अरोमा क्रॉप्स हैं जिनकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरोमा क्रॉप का चयन इस तरह से किया गया है कि सभी प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के लिए कोई ना कोई अरोमा क्रॉप मौजूद हो। हमारी जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, अगर पानी कम है तब भी अच्छा फायदा देंगी, फ्लड की सिचुएशन है, नदी का किनारा है, वहाँ के लिए हमारी क्रॉप्स हैं वो भी फायदा देंगी। हाई अल्टीट्यूड पे, हिल्स पे, जहाँ पर कि जानवरों का बड़ा प्रकोप है, वहाँ पर हमारे पास क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेट कर सकते हैं। जंगली गेंदा है, लेवेंडर जो बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रॉप है, तो वो हमारी जम्मू की लैब है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट, रेनफॉल इज डिफरेंट, ये जो सब पूरा डाइवर्सिटी है हमारा, उसमें भी हमारा डाइवर्स एरोमेटिक प्लांट्स बढ़ते हैं, सो ये हमारा फायदा है। ध्यान इसका भी रखा गया है कि किसानों को कम लागत में अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा तेल देने वाले अरोमा क्रॉप्स की किस्म ही बांटी जाए। लेवेंडर जो कि एक एरोमेटिक प्लांट है, एरोमेटिक का मतलब है ये जो लेवेंडर का पौधा है इसको हम काश्त करेंगे तो इससे हमें जो फ्लावर्स आएंगे, फूल आएंगे, उस फूल का हम तेल निकालते हैं। जो ऑलरेडी हमने आपको एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर बताया है, मैं आपको इस लेवेंडर का लगाने का तरीका बताता हूँ। ये जो पौधा है इसमें, ये 1 साल का पौधा है, इसमें नीचे जड़ है, रूट है, इसको आप लगाएंगे थोड़ा सा, आधे फुट का गड्ढा खोद के नीचे लगाना है, ऊपर से मिट्टी डालनी है और 2-3 बार इसको हफ्ते 10 दिन के अंदर पानी देते रहना है। आप में से ही अगर हम अभी यहाँ ही पे देखेंगे 3-4 फार्मर जिनको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, जिन्होंने 2 कनाल से स्टार्ट किया है, 3 कनाल से स्टार्ट किया है और आज 50 कनाल, 100 कनाल तक भी उन्होंने काश्त बढ़ा दी है। लेकिन मेन एम और ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका यही रहेगा कि आपकी इनकम बढ़ जाए। लीफ ऑयल के लिए हल्दी या करक्यूमा की कौन सी किस्म सबसे बेहतर रहेगी, ये जानने के लिए पूरे देश से 38 तरह की हल्दी की पौध NBRI लखनऊ की नर्सरी में लगाई गई। तो CSIR NBRI ने जो केसरी नाम की किस्म विकसित करके किसानों के बीच अरोमा मिशन में हम लोग ले जा रहे हैं, उसमें ये गुण है, इसकी उपज अच्छी है, इसकी पत्तियों का जो तेल है उसके लिए जो उसके रासायनिक संगठन है उसके हिसाब से हमने इंडस्ट्री से नेगोशिएट करके उसका एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि इस अरोमा मिशन के अंतर्गत जो किसान भाई केसरी खेती उगा करके उसकी पत्ती का तेल निकालेंगे उसकी बिक्री सुनिश्चित है।